बाबा जी आप ये एमीवेल डिवाइड टाइप को डिस्क क्यों नहीं करते आप? एक्सक्यूज मी, आप ये जो नए जो नए लॉन्डे जो आए हैं उनको आप अपने स्टाइल में एक डिस्क ट्रैक आपको भी उतारना चाहिए। अरे लॉन्डे सब लॉन्डे हैं यार, हम भी तो लॉन्डे ही हैं। हाँ दैट्स ट्रू, साथ में बकर मचाना चाहिए। So I have respect for anybody who builds a career on YouTube or on the internet at large. So Emiwe Bantai, who posted something about me, I have nothing but respect for him. Whatever you say about his art, fact is the guy has managed to build a career online, and that takes hustle. And I respect that hustle and kill. जो है ये एक तरफ, ठीक है? This is one thought I have. The second thought I want to address, जो ये 16 साल के लोग मेरे mentions में आके मुझे गाली दे रहे हैं ना, सुनो मेरी बात। पहले एक टिश्यू पेपर लो, ठीक है? फिर लैपटॉप खोलो और बाबा साइकिल गूगल करना। जब तुम्हें पता चलेगा ना, तुम जो ये फैलाते रहते हो, ओ ये कम्युनिटी इसको रिस्पेक्ट करो, तुम्हें पता चलेगा कि कम्युनिटी और ये रैप और हिप हॉप कम्युनिटी की शुरुआत कब हुई थी, और वहां पे तुम बाबा साइकिल का नाम देखोगे और फिर तुम्हारे आंखों से एक नमकीन बूंद गिरेगी। उसे अपने टिश्यू पेपर से प्यार से पोंछना, क्योंकि तुम्हें रियलाइज होगा कि जब तुम अपने बाप के थे ना, तब से कम्युनिटी शुरुआत हो चुकी थी और बाबा साइकिल वॉज एट द फोरफ्रंट। तो व्हेन यू आस्क फॉर रिस्पेक्ट फॉर द कम्युनिटी, फर्स्ट लर्न टू रिस्पेक्ट द ओजी। उनके सामने तो आजकल के आर्टिस्ट नए लौंडे होंगे ना, इसमें डिसरिस्पेक्ट कहाँ है? अकल लगाओ कभी। जस्ट अ क्विक डिस्क्लेमर, दिस वाज ओनली फॉर दोज हु आर कमिंग एंड अनोइंग द फ्रंट ऑफ मी इन माय मेंशंस। द रेस्ट ऑफ यू, नो हेट नो डिसरिस्पेक्ट, एंजॉय, हैव अ गुड डे, मचाएंगे। आई नो कि बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स इंस्टाग्राम स्टोरी को रिकॉर्ड करके न्यूज की तरह यूट्यूब वीडियो अपलोड करने वाले, प्लीज ये वाला पार्ट भी रखना। I messaged Emiwe, I said, hey, listen, sorry about that. I didn't mean to disrespect you. It was meant in a different context. And he was very gracious enough to reply positively. And it sorted between us. But it's these children who are like, yeah.